भैरे को स्नान कराने के बहाने उस पानी में ले जाना और फिर स्नान कराने के बहाने उसे डुबा देना। अब इसे स्नान के लिए लेकर जाओ। गौ माता, महादेव के आदेश के समक्ष हम असहाय हैं। संतोषी की सहायता नहीं कर सकते। इस यंत्र को तुम अपनी शक्तियों, भावनाओं और गुणों का वाहक बना सकती हो। बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है। आत्मा शुद्धि के लिए वक्त लगता है तृष्णा। तुम चिंता मत करो, धैर्य तुम्हारा होगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं धैर्य को कुछ होगा तो नहीं? तुम चिंता मत करो, धैर्य के शरीर को कुछ नहीं होगा। धैर्य कहाँ चला गया?
कमरे में से कहीं गायब हो गया। एक बालिका का इतना साहस कि हमारे कार्य में बाधा डाले, उसे उसका परिणाम भुगतना होगा। क्या पानी में गायब हो गया? हाँ, हमने तो पकड़ के रखा था, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तुम सबने जानबूझ के ऐसा किया? ये क्या कर रही हो तुम? क्या पागल हो गई क्या? तुमने मेरे धैर्य को मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हो? अरे वो पागल हो गई है क्या? कोई पकड़ो उसे। पागल हो गई है क्या तुम कृष्णा? अब कहाँ भागेंगे आप? भागिए, मुझे मत मारना कामिनी, मुझे बचा लो कामिनी। मेरे हजार मना करने के बावजूद तुमने वो सब कुछ किया, इसलिए आज आपके कारण मैंने धैर्य को खो दी, इसलिए आपको तो मरना ही होगा। मुझे मत मारना। दीजिए मेरा हाथ। पागल मत बनो तृष्णा, किसी को दोष देने से अच्छा होगा कि हम खुद जाकर धैर्य को ढूंढें। हो सकता है ना कि अभी भी वो पानी में हो। छोड़ो। हो सकता है धैर्य जिंदा हो। धैर्य को ढूंढना पड़ेगा। धैर्य, धैर्य। जाओ, तुम सब भी तृष्णा की मदद करो। लगता है ठंड की वजह से ये बेहोश है, पर कल सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही इन्हें होश आ जाएगा। प्रतीत होता है कोई भेद है इस बालिका के पीछे, हमें इसके बारे में ज्ञात करना होगा। मैंने कितनी मेहनत की थी धैर्य को पाने के लिए, और आपने इन सबके साथ मिलकर सब कुछ खत्म कर दिया। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ धैर्य मरा नहीं है, ये जरूर संतोषी की कोई चाल है। माँ प्लीज, पानी के अंदर संतोषी कैसे आएगी? ये सब कुछ आप लोगों का है, आप लोगों के कारण मैंने आज धैर्य को खो दिया। I hate you, Mom, I hate you. कृष्णा, कृष्णा, बेटी मेरी बात तो सुनो। मत कहिए मुझे बेटी। I hate you. कृष्णा सुनो तो। कृष्णा, ये मूर्ख कन्या कहीं हमारा कार्य ना बिगाड़ दे। हमें किसी भी तरह इसे वश में करना होगा और इसे समझाना होगा कि यही करना इसके लिए उचित है। कृष्णा, कृष्णा मेरी बात मान,
धैर्य अवश्य लौटेगा। तू बस उसकी प्रतीक्षा कर। कहाँ वेट करूँ मां? उसकी घर पे? अब मुझे वहां कौन घुसने देगा? सब रहने देंगे। तू बस चल मेरे साथ, चल। एक दिन में क्या से क्या हो गया काका? जो इंसान आग के सामने था आज पता नहीं कहाँ, समझ नहीं आ रहा कहाँ ढूंढे उन्हें। इतनी रात गए कौन हो सकता है? चलकर देखते हैं। भैरव सर को कहाँ छुपा कर आई? साफ साफ बताओ वरना आज हम तुम्हारी जान ले लेंगे। संतोषी, ये क्या कर रही हो तुम? बताती हो या? बताती हूँ। धैर्य हॉस्पिटल में है। आपके झांसे में नहीं आने वाले। किस हॉस्पिटल की बात कर रही हैं? जिस हॉस्पिटल में धैर्य सर का इलाज हो रहा था, हम वहां उन्हें देख कर आए। वो हॉस्पिटल से गायब है। कौन से हॉस्पिटल में है फिर वो? हॉस्पिटल अच्छा नहीं था, इसलिए हमने उसे दूसरे हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, तो हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। हम अपने पति से अभी मिलना चाहते हैं। धैर्य तुमसे मिलना नहीं चाहता, इसलिए तुम वहां नहीं जा सकती। बताती हैं या हम अपना रंग दिखाएं? आवाज नीचे। मॉम ने कहा ना एक बार, धैर्य तुमसे मिलना नहीं चाहता, तो बार बार क्यों पूछ रही हूँ? अरे भाई बताओ तो सही, वो है कहाँ? धैर्य ने किसी से भी मिलने से मना कर दिया है। वो जब ठीक हो जाएगा वो खुद घर आ जाएगा। कृष्णा चलो। तुम कौन हो? और मैं यहाँ कैसे आया? वही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? मेरा नाम धैर्य, पर मैं यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। तुम नदी में डूब रहे थे तो मैंने तुम्हें बचाया। अच्छा, थैंक यू मेरी जान बचाने की। मैं यहां कैसे आ गया और ये बच्ची कौन है? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रही हो? मुझे जानती हो तुम? मैं कौन हूँ ये तो मैं भी नहीं जानती, पर मेरा नाम रुद्राक्षी है। तुम नदी में बह रहे थे तो मैंने तुम्हें बचाया। थैंक यू। तो तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? वो तो मुझे तुम्हारे चक्कर में यहाँ आना पड़ा और रात भर रुकना पड़ा।
क्योंकि तुम बेहोश पड़े थे। पर एक बात बताओ, तुम नदी में डूबे कैसे? मैं किसी जगह पे था, वहां पे मैं नदी में नहाने के लिए गया था, और फिर क्या हुआ पता, मुझे पता नहीं क्या हुआ उसके बाद। अच्छी बात ये है कि आपको कुछ नहीं हुआ। हाँ, पर एक बात बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माँ बाप वो कहाँ है? मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा घर कहाँ है, पर मेरी एक माँ है, संतोषी माँ। संतोषी माँ? तो तुम्हें संतोषी माँ की भक्त हो? क्या तुम भी माँ संतोषी के भक्त हो? नहीं नहीं, मैं संतोषी माँ का भक्त। खैर छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। ये बालिका आई कहाँ से? ये अवश्य देवी संतोषी का कोई छल होगा। अच्छा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? और मुझे भी तो अपना नाम बताओ। मैं लखनऊ का रहने वाला, मेरा नाम धैर्य मिश्रा है। धैर्य भैया, आप टेंशन मत लो, हम इस जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन पहले भूख का इंतजाम करते हैं। मेरे पेट में हाथी चूहे सब कूद रहे हैं। हाँ हाँ, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं, चलो। प्रभु की समाधि के दर्शन पहले मुझे करने दो। अरे नहीं नहीं, पहले मैं करूंगी दर्शन। पहले मैं आया हूँ। हाँ हाँ, आराम से आ जाइएगा, एक एक करके आइएगा। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। अरे अरे अरे, काहे धक्का मुक्की कर रहे हैं, सबको दर्शन करने को मिलेगा, सबको मिलेगा। निरंजन, चलो, पागल हो गए क्या? लाइन से खड़े रहो, सबको दर्शन मिलेगा। जे ससुरे तो हमारी समाधि पर पिले पड़े, अंदर कैसे जाएं? लख निरंजन वाला रूप भी काम नहीं आ रहा है, लोग डर नहीं रहे हैं, क्या करें? जय भोलेनाथ के, जय भगवान शेषनाथ के। मित्रों, हम बंगाल से आया है रेडियो बाबा। कल रात को भगवान शेषनाथ हमको रेडियो में दर्शन दिया, दर्शन दिए और बोला कि उनका धर्मपत्नी की सेवा में इधर हाजिर हो जाओ, इसीलिए हम आ गया। भगवान सच्ची ऐसा बोले? मुच्ची बाबा की जय हो। हाँ बोलो, भगवान शेषनाथ की जय। भगवान शेषनाथ की महिमा तो दूर दूर तक फैली है। प्रभु शेषनाथ की जय। सर आ गए।
इंस्पेक्टर साहब, धैर्य सर का कुछ पता चला क्या? हम उसी के बारे में बात करने आए, चलिए अंदर चलते हैं। जी आइए आइए। पुष्पा जी, आप पहले तृष्णा और कामिनी जी को बुलाइए। जरा जाकर कामिनी जी और तृष्णा को बुलाकर लेते आइए। जी कहाँ छुपा रखा धैर्य मिश्रा को आपने? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। अगर आपने सीधे सीधे मुझे नहीं बताया कि धैर्य मिश्रा कहाँ है, तो मुझे मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब पुलिस से कैसे बचेंगे?